नमस्कार, एसटीवी न्यूज़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खबर। तखतपुर शहर का नज़ारा जो भी देखा वह मुग्ध हो गया। एक ऐतिहासिक पल में इंतजार नगर प्रति एक नागरिकों को रहता है। आखिरकार राम नाम के ध्वनि पूरे शहर में गूंज उठा। लोग काम छोड़कर एक झलक पाने के लिए लालित होते नजर आए। तखतपुर के राम जानकी मंदिर के पास सप्ताह भर से राम नाम कथा वचन किया जा रहा था, जिसमें रोजाना सैकड़ों श्रद्धालु जाकर भजन कीर्तन किया करते थे। भक्ति रस में सरोवर नगर जन रोजाना मंदिर पहुँचे कर भजन गीतों के द्वारा पूरे शहर गुंजमान होते रहे। इस राम सप्ताह आयोजन के समापन भव्य तरीके से किया गया। इस दौरान पूरे नगर के साथ आसपास के गांव के साथ दूर दूर से 24 भजन गायकों की टोली पहुंची, जो गाजे बाजे सुरताल के साथ झूम झूम कर नृत्य करते हुए पूरे नगर में आकर्षक झांकी के प्रदर्शन किया गया, जिसे देखने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ी। कलाकार विभिन्न प्रकार के स्वाग रच नृत्य के द्वारा भक्ति के आनंद उठाते रहे। सम्मिलित सभी टोलियों को सिंह से सम्मानित कर उन्हें गौरवान्वित किया गया। वाद्य यंत्र इतने थे कि पूरे शहर आवाज से गूंज रहा था। नर नारी भक्ति के इस रस में पूरी नृत्य में महिलाएं भी थिरकते नजर आईं। इस अवसर पर लगभग हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। कहाँ से आए? कैंटवारी। कितने लोग हैं? 22। क्या करने के लिए आए आप? आज क्या कर रहे हैं? आज टीचर का रहा ना। घर से रहते हैं? आओ आप बताइए किस टाइप का चल रहा है? हम लोग का ठीक चल रहा है। कितने लोग आए आप? हम लोग 22 लोग आए। 22 लोग आए विगत कई वर्षों से, आज से नहीं 70-80 वर्ष हो गया, तखतपुर राम जानकी छोटे मंदिर में अखंड राम नाम सप्ताह का कार्यक्रम किया जाता है, जो 7 दिवसीय चलती है। और 7 दिवस में पूरी 24 घंटा राम नाम कीर्तन चलती है, एक मिनट तक बंद नहीं होता। आज उनका भव्य समापन दिवस है। इस सर्व हिंदू समाज और अखंड टीम के द्वारा स्वागत किया जा रहा है। और यह स्वागत विशाल आप सभी देख रहे हैं, पूरे तखतपुर के दूर दूर से ग्राम से हर क्षेत्र में आए हुए भजन मंडलियों का तखतपुर में एक राममय राम धुन के कीर्तन के साथ सभी पूरे मानस मंडलियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए सभी हमारे टीम स्वागत करने में लगे हुए हैं। 40 से 45 टोलियाँ आई हुई हैं, जिसमें एक एक टोली में 80 से 50 युवक और 21 सभी शामिल हैं। कितने लोग होंगे लगभग? लोग कितने होंगे? लोग यहाँ समथिंग 20,000 से अधिक पब्लिक होंगे। पूरे रोड में आप देखेंगे, यहाँ से महामाया चौक से आप देख लें, पूरा बस स्टैंड तक पब्लिक की पब्लिक दिखाई देंगे। आप सभी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं कि जितने भी संख्या में माताएं बहने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं। अखंड राम नाम सप्ताह तखतपुर राम जानकी छोटे मंदिर 25वां वर्ष है और नगर की सुख समृद्धि कृषकों के सुख समृद्धि के लिए इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए
तक अपने श्रेष्ठ कार्य करने के लिए, इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए। शोभा यात्रा का नाम क्या है, किस नाम से? राम नाम सप्ताह अखंड समापन है, समापन समारोह। यह 7 दिन तक अनवरत रात और दिन चलने वाली राम नाम सप्ताह है, जिनका आज समापन दिवस है। और इस अवसर पर तखतपुर और आपके उंगली पर क्षेत्र के सभी राम भजन मंडली, कीर्तन मंडली का पदार्पण हुआ है। और वो अपने प्रथम राम नाम की रसार से सभी नगरवासियों को बहुत खुश कर रहे हैं। पूरे नगर राममय वातावरण से आह्लादित हो रहे हैं। और ये हमारी नगर की एक वर्षों की परंपरा है, जो स्वर्गीय दुर्गा प्रसाद गुप्ता जी के द्वारा आज से लगभग 80-85 वर्ष पूर्व इसका बीजारोपण किया गया था। और वो परंपरा आज तखत नगर में वर्षों से चली आ रही है। कितने लोग आए होंगे? ये लगभग 5,000 का कार्यक्रम है। 5,000 लगभग 30-35 भजन मंडली का पदार्पण हुआ है। और प्रत्येक मंडली में 40-50 सदस्य संख्या होते हैं। खबरों के लिए हमसे जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।